वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की 2021 की रिपोर्ट जारी हो चुकी है और भारत एक बार फिर से 142वें स्थान पर है। जी हाँ, 180 देशों में 142वां स्थान। मतलब साफ है कि भारत में उतना अच्छा वातावरण प्रेस की स्वतंत्रता के लिए नहीं है जितना बाकी देशों में है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत अपने कुछ पड़ोसी देशों की तुलना में खराब प्रदर्शन पिछले कुछ समय से कर रहा है। जैसे नेपाल को 106वां स्थान मिला है, श्रीलंका को 127वां, तो भूटान बहुत आगे यानी 65वें स्थान पर है। यानी वहाँ प्रेस की स्वतंत्रता ज़्यादा है जबकि हमारे यहाँ कम। और पाकिस्तान भी बहुत पीछे नहीं है, 145वें स्थान पर है। भारत 142वें स्थान पर और पाकिस्तान 145वें स्थान पर। रिपोर्ट का कहना है कि भारत के प्रदर्शन को इसलिए ख़राब बताया गया क्योंकि यहाँ पर एक राष्ट्रवादी सरकार ने जिस तरीके का भययुक्त वातावरण बनाया है वो उसके पीछे जिम्मेदार है। यानी आप अगर खुलकर अपनी बात उठाते हैं तो आपको राज्य विरोधी या राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाता है। इसके अलावा कश्मीर की स्थिति और वहाँ पर पत्रकारिता पर जिस तरीके से रोक लगी थी वो भी शामिल है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा पत्रकारों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा पत्रकारों पर जिस तरीके के कभी कभी हमले होते हैं उसको इसके पीछे दोषी ठहराया गया है और कहा गया है कि पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो चाहे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के द्वारा हो, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये होती है तो यानी आपके यहाँ पत्रकारिता को बहुत खुलकर नहीं अपनाया जाता। इसके अलावा महिला पत्रकारों की स्थिति हमारे देश में कैसी है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। आपको यहाँ बता दूं कि साल 2020 में जो रिपोर्ट आई थी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, उसमें भी भारत 142वें स्थान पर था। यानी यथास्थिति बनी हुई है। तब ये कहा गया था कि पत्रकारों की हत्या के जो मामले सामने आए हैं उसकी वजह से भारत की मीडिया जो है उनके अंदर अपनी सुरक्षा को लेकर संशय बना हुआ है। ये भी कहा गया कि जो पत्रकार खुलकर अपनी आवाज़ उठाते हैं उन पत्रकारों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से घृणा सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। यानी सरकार के खिलाफ बोलना समर्थकों को नागवार गुजरता है। आप जानते हैं प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है। साल 1950 में रोमेश थापर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की जो नींव होती है वो प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होती है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता बेहद ज़रूरी है। हालांकि साथ में ये भी कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता असीमित नहीं होती। यानी अनुच्छेद 19(1) के तहत यदि आपको प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है तो अनुच्छेद 19(2) संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि या अपराध को अगर प्रोत्साहन आप देते हैं तो आप पर प्रतिबंध भी लागू किए जा सकते हैं। यानी कि ये असीमित नहीं है, सीमित है, आप पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। जहाँ तक बात वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को निकालने की है तो ये रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम के एक संस्थान द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक इंटरनेशनल एनजीओ है, यानी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और गैर लाभकारी भी, यानी नॉन प्रॉफिटेबल भी। और ये यूएन की कुछ संस्थाओं के साथ जैसे खुद संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, इसके अलावा यूरोपीय परिषद और भी कई संस्थाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर कार्य करता है। ये सूचकांक पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तरों का अनुमान लगाता है और 180 देशों की रैंकिंग जारी करता है। लेकिन आपको साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि ये कोई पत्रकारिता की गुणवत्ता मापने का कोई अंतिम सूचक नहीं है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मापक तो है, तुलना तो करता है अलग अलग देशों की, लेकिन ये अंतिम नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें छोड़ी जाती हैं, बहुत सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। जैसे इसमें मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया का वातावरण, उसकी सेंसरशिप, उसके लिए कानूनी ढांचा किस तरीके का है, क्या पारदर्शिता है या नहीं, और जो समाचार और सूचनाएं दी जाती हैं उनका स्तर कैसा है, क्या उनका बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो गुणवत्ता उसके पास है। इसके अलावा बहुलतावाद का स्तर भी देखा जाता है। यानी ये तमाम चीज़ें आकलन का एक आधार है जिस पर ये पूरी रिपोर्ट टिकी हुई है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, 70% से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहां
मीडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाती। 180 में से केवल 12 देश ऐसे हैं जो इस बात को पूरी तरीके से दावे के साथ कह सकते हैं कि हम मीडिया को अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर चिंताजनक बात कोई है तो वो एशिया पैसिफिक रीजन की है, जहां पर प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के कई राष्ट्र प्रयास करते रहते हैं। इस सूचकांक में अगर टॉप रैंकिंग की बात करें तो नॉर्वे लगातार 5 सालों से पहले स्थान पर है। इसके अलावा फिनलैंड और डेनमार्क को दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया है। सबसे निचले स्थान पर इरिट्रिया है, यानी 180वां स्थान उसका है। फिर उत्तर कोरिया 179 और 177वें स्थान पर है चीन। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। और अब आज का सवाल, आपको बताना है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ये रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कब से निकाली जाती है, प्रथम संस्करण इसका कब प्रकाशित किया गया था। नहीं पता तो सर्च कीजिए और तब मुझे बताइए। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। ये तमाम पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा Spotify और JioSaavn जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इन्हें सुन सकते हैं। अगर अब तक आपने ध्येय IAS का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हैं, उसे भी जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।